अगर आपको डॉल्बी वाले डीजे इस गाने को किसी और मराठी गाने के साथ रिप्लेस करना होता तो कौन सा होता? ब्लाइंडली आ जाए और तुल वाला एक नंबर ऐसे उठा लो. मुलशी पैटर्न और अंतिम. ऑफ कोर्स मुलशी पैटर्न. डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्टर्स इन अ मराठी वर्ड. सबसे पहले बच्चन साहब, सलमान खान, अशोक सराफ, रणबीर कपूर. अच्छा गावत का काम करते हो. हाय दिस इज उपेंद्र लिमये एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा. उपेंद्र जी, आई एम गोइंग टू एंड दिस इंटरव्यू विद अ क्विक रैपिड फायर जो मैं आपके साथ खेलना चाहूंगी. आर यू रेडी? या. एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में होनी चाहिए जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है एंड वाइस वर्सा. प्रोफेशनलिज्म, दैट्स इट. एक हिंदी में जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो ओरिजिनल में नहीं चाहिए, और ओरिजिनल का ब्यूटीफुल कंटेंट है वो मेनस्ट्रीम में हॉलीवुड इसमें आना चाहिए. आपने पहले ओरिजिनल के, मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल का सुपरस्टार ओरिजिनल का कंटेंट है. अगर आपको डॉल्बी वाले डीजे इस गाने को किसी और मराठी गाने के साथ रिप्लेस करना होता तो कौन सा होता? इस तरह के बहुत सारे गाने आए, लेकिन वो अजय अतुल वाला कोई भी एक. ब्लाइंडली अजय अतुल वाला एक नंबर ऐसे उठा लो. डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्टर्स इन अ मराठी वर्ड. सबसे पहले बच्चन साहब, दादा मनुष. सलमान खान, हीरो असं म्हणू आपण. सचिन पिळगावकर, मोठा माणूस. अशोक सराफ, बाप माणूस. रणबीर कपूर, आईच्या गावात काय काम करतो यार. अब ये बताएं दैट विच वन ऑफ योर फॉलोइंग रोल्स इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू यू. तैयप्पा फ्रॉम जोगवा, विठ्ठल फ्रॉम मुलशी पैटर्न एंड फ्रेडी फ्रॉम एनिमल. ऑफ कोर्स इट इज तैयप्पा फ्रॉम जोगवा. अ हिट मूवी शुड नॉट बी रीमेड इन अदर लैंग्वेजेस, येस और नो? इट इज रिलेटिव. स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी कंसर्न फॉर ब्रिलियंट एक्टर्स. ट्रू. हैव यू एवर ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ मूवी बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस? यस. मुलशी पैटर्न और अंतिम? ऑफ कोर्स मुलशी पैटर्न. अवार्ड्स या फिर क्रिटिकल अक्लेम? रिलेटिव. ओके. बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन. कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जेन्युइन है, तो इन दैट केस अवार्ड्स. कुछ क्रिटिकल अक्लेम जेन्युइन है, इन दैट केस क्रिटिकल अक्लेम. सो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिव. ओके. आरआरआर फ्रॉम मुलशी पैटर्न या फिर भाई का बर्थडे? आरआरआर. एंड फाइनली दिस वन यू हैव टू आंसर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. अगर डॉल्बी वाला इस गाने पर आपको एक हुक स्टेप करना होता तो वो कौन सा होता और कैसे करते आप? वो मुझे मालूम है, वो शायद मैंने अभी आके करके दिखाया है, उसका ही दो स्टेप दिखा दो. हाय दिस इज उपेंद्र लिमये एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा.